सावन का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और ये जुलाई का अंतिम सप्ताह भी है। इसके साथ ही अगस्त की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में उन्नति के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ राशि के जातकों के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि समस्त राशि के जातकों के लिए जुलाई का ये अंतिम सप्ताह कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस सप्ते अपने करियर और व्यापार में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको सोच समझकर ही व्यापार या फिर किसी भी योजना में पैसा लगाना चाहिए। हालांकि आर्थिक दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह का पहला भाग दूसरे भाग की अपेक्षा काफी शुभ और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको राज्य से लाभ और सम्मान भी मिल सकता है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपके आर्थिक प्रयास भी सफल होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ नए अवसर देगा। सप्ताह के मध्य में आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आय से अधिक आपके खर्चे हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको धन का प्रबंधन करने के लिए सही प्रकरण अपनाना है, अन्यथा आपको पैसे उधार लेने भी पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। नए रिश्तों का ये आपके लिए समय है। सप्ताह के मध्य में अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की आपको जरूरत है, अन्यथा इसका असर आपके दांपत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ सुख दुख से भरा रहेगा। कामकाजी महिलाओं को काम और घर के बीच संतुलन बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह के दौरान घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। इस दौरान घर हो या कार्यस्थल, छोटी छोटी बातों को तुल देने से आपको बचना है। इस दौरान छात्रों का पढ़ाई से ध्यान भी भटक सकता है। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में है तो उसमें मजबूती आएगी। यदि आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी मित्र की मदद से आप ये काम पूरा करेंगे। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों को अपने सपनों को साकार करने के लिए इस सप्ताह बहुत अधिक प्रयास और मेहनत करने की जरूरत है। इस सप्ताह आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। इस सप्ताह यात्रा से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। व्यापार में लाभ के नाम पर घाटा उठाने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के दूसरे भाग में भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति को लेकर आपको लाभ मिल सकता है। किसी के बहकावे में आपको आने से बचना है। साथ ही किसी के मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करना, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी अनुकूल रिश्ते नजर आ रहे हैं। इस समय आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस सप्ताह काम को लेकर समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को इस सप्ताह व्यापार में पैसों के लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक कारणों से आपको आर्थिक और समय की हानि भी हो सकती है। इस दौरान आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित भी रहेंगे और घर परिवार से जुड़े मामलों में आपको अपने परिजनों से अपेक्षा से कम सहयोग मिलेगा। अगर आप सप्ताह के मध्य में कोई नया प्रोजेक्ट या कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में बहुत सोच समझकर ही कदम उठाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपको नए अवसर प्रदान करेगा। रिश्तों में असमंजस की स्थिति में पीछे हट जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। मुश्किल वक्त में आपका लव पार्टनर साए की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। वहीं जीवन साथी आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की लापरवाही से बचना है।
वरना आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के आरंभ में किसी व्यक्ति या भाग्य पर निर्भर रहने से बचना होगा, अन्यथा बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में मित्रों और रिश्तेदारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन थोड़ा सा उदास रहेगा। मुश्किल समय में आपको चुनौतियों का सामना हिम्मत के साथ करना है। आपको किसी बात को लेकर अपने पिता से थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। सप्ताह के शुरुआत में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा की प्रबल संभावना बन रही है। यात्रा से नए संपर्क बनेंगे और लाभ भी होगा। इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके खर्च अधिक रहेंगे। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम साथी हो या जीवन साथी, इस सप्ताह अपने अहंकार को उनके साथ टकराने न दें, अन्यथा आपको अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से सावन का दूसरा महीना समस्त राशि के जातकों के लिए इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।